Karan Singh Grover, Ravi Dubey and Kunal Kapoor will play Lord Vishnu, Lord Brahma and Lord Shiva in their upcoming film Three Dev. The film also stars KK Menon, Tiska Chopra, Raima Sen, Poonam Kaur Lal and Priya Banerjee. The film is directed by Ankush Bhatt, who also made films like Bhindi Bazaar and Mumbai Mirror. In fact, the film was supposed to release in 2016 but got delayed. Ankush had said earlier that the film is a realistic comedy which deals with why God is required in our lives. It goes on to ask what the identity of God is and if he is synonymous with hope and belief. Today, people only remember God in times of need. Bombada plays the film's Sutradhar. Let's visit the trailer launch of Three Dev and hear what all our cast and crew of the film had to say. हम कुछ बात कहते हैं तो वो मनोरंजन के जरिए कहें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है. वो प्रीची ना हो के एक हंसते खेलते वे में हम एक बात कह जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एक्चुअली क्या हो गया ना, हम एज ह्यूमंस अभी इस दौर में गुजर रहे हैं जहाँ हम भगवान को अपनी कन्वीनियंस के तौर पर यूज़ करते हैं. हमको मतलब अगर लड़की पट नहीं रही है तो भगवान याद आ जाते हैं, एग्जाम में पास नहीं हो रहे तो भगवान याद आ जाते हैं. तो वो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, जहाँ हम अपनी कन्वीनियंस के थ्रू जब हम अच्छे पैथ से गुजर रहे हैं तब वो भगवान कहीं छूट जाते हैं. वो एग्जैक्टली भगवान है क्या और आज हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, इन सारी चीज़ों को हमने इस फिल्म में बताया गया. बिना फेथ का ये दुनिया चल नहीं सकता, पहली बात. फेथ हर प्रकार के होते हैं. कुछ भगवान पे फेथ होता है, कुछ अपने आप पे फेथ होता है. तो ये कहानी पूरी की पूरी विश्वास के ऊपर निर्धारित है. हमारी फिल्म में एक हमने बनाया एक श्लोक है, ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनेक स्थे पे ध्यान दी पाव फटे तक देखियो एन लाइटन दी लालटेन. अभी ये है एक एक हम जो तीनों हैं हम लोग हम बचपन से फिल्म में हम लोग ये श्लोक बोलते रहते हैं और क्योंकि लोग हम में बिलीव करने लगते हैं तो वो ये श्लोक भी मान लेते हैं क्योंकि जबकि उनको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है. तो जस्ट ब्रिंगिंग आउट व्हाट यू हैव फेथ इन एंड हाउ स्ट्रांग योर फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस चीज़ में मान रहे हैं और आपका जो फेथ है वो कितना स्ट्रांग है. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इन द फिल्म. बहुत ही सादी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है. तो दैट वाज अ बिग प्रायोरिटी फॉर मी व्हेन इट केम टू व्हाट फिल्म आई चूज टू एसोसिएट विद. टेलीविजन ने बहुत इज्जत दी है, आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आप लोग ये फिल्म देखना चाहेंगे, कुछ लोग मेरी वजह से भी देखना चाहेंगे. वो इसलिए है क्योंकि टेलीविजन ने वो बैकबोन दी है मुझे एंड आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू टेलीविजन एंड दैट्स बिकॉज फैमिलीज हैव वॉच्ड मी. सो आई विल ऑलवेज चूज सिनेमा देयर वेयर फैमिलीज कैन एन्जॉय माई वर्क व्हेनेवर आई डू फिल्म्स एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये जो पहली पिक्चर अंकुश ने मुझे दी है वो एक पारिवारिक पिक्चर है और पूरी दुनिया इसको बैठ करके देख सकती है. सारा परिवार आपके सबसे छोटे सदस्य से लेकर के सबसे बड़ा सदस्य तक, एवरीबॉडी कैन एंजॉय द फिल्म.